हेलो डियर पार्टनर, यूटीआई से पैन कार्ड अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस चेंज हो गया है। यूटीआई की साइट अपडेट हो गई है, तो अब नए तरीके से हम पैन कार्ड अप्लाई करेंगे। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्टेंट पे पोर्टल ओपन करना है और आपको लेफ्ट हैंड साइड के मेन्यू ऑप्शन पे जाना है, जहाँ कि आपको दिखेगा सिटीजन सर्विस का एक ऑप्शन। सिटीजन सर्विस में आके आपको पैन कार्ड पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपको अप्लाई फॉर पैन करना है, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप ओपन होगा जिसे कि आपको रीड करना है और फिर ओके बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको अप्लाई फॉर न्यू पैन पर क्लिक करना है। तो पैन एप्लीकेशन में आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। न्यू पैन कार्ड बनाने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर किसी का पैन कार्ड पेंडिंग में है तो उसके लिए सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करें। अगर किसी की साइनिंग पेंडिंग है तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ऑप्शन है डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को व्यू करना है तो आप व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगला हमारे पास ऑप्शन है रीजेनरेट। यहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसीव जनरेट होगी, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ शो होगा। तो चलिए पैन कार्ड किस तरीके से अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A। तो जैसे ही आप फॉर्म पेज पे आएंगे, आपके पास एक पॉपअप होगा जो कि फिजिकल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन होंगे। आप इन्हें रीड करके ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो अब यहाँ हमारे पास फॉर्म 49A ओपन हो गया है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन फिजिकल मोड का है, तो यहाँ हमें सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, और फिर हमें बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन पे क्लिक करना है, और हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन होगा। यहाँ आपको एक रेफरेंस नंबर दिखेगा, इसको आप कहीं नोट कर लें। यदि पैन कार्ड फॉर्म भरते वक्त कुछ एरर आ जाता है तो इसी रेफरेंस नंबर से आपका फॉर्म दोबारा ओपन होगा और आप इसे दोबारा एडिट कर पाएंगे। अब हम ओके पे क्लिक करके प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। बाय चांस अगर आपने अपना रेफरेंस नंबर नोट नहीं किया और आपसे ओके का बटन बाय मिस्टेकली टैप हो गया है, तो आप दोबारा से यहाँ चेक करके अपना रेफरेंस नंबर नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट नेम टाइटल का है, तो यहाँ हम डाल देंगे श्री, फिर यहाँ हम डालेंगे लास्ट नेम, और अब हम डालेंगे फर्स्ट नेम। तो अब यहाँ अगर आपका कोई मिडिल नेम नहीं है तो आप इस कॉलम को ऐसे ही रहने दें। अगर आपका कोई अदर नेम है तो आप इस ऑप्शन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं यस, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। फिर हम सेलेक्ट करेंगे जेंडर, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं मेल एंड देन डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ ऑप्शन है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो इस पर अगर आपको ऑफिस का एड्रेस डालना है तो ऑफिस का, नहीं तो आप रेसिडेंस डालेंगे। फिर आपको डालना है रेसिडेंट स्टेट, तो हमने ऑफिस चूज नहीं किया तो इस कॉल्यूम को हम एज इट इज रहने देंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेंट आधार डिटेल्स, जहाँ के हम आधार डिटेल्स डालेंगे, तो आधार नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे। फिर आपको इनरोलमेंट आईडी पे क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर दोबारा से री एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे नेम मेंशन करना है जो कि आपका आधार कार्ड पर है। नेम डालने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब हमारे पास एक न्यू पेज ओपन हुआ है जो कि डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का है, तो अब हम यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। फिर हम एड्रेस प्रूफ के लिए भी आधार कार्ड चूज करेंगे। अगर किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो हम यहाँ प्रूफ के लिए आधार कार्ड को चूज कर लेंगे। फिर मेक पेमेंट पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ हम अपने पेमेंट के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हमें अपना पासवर्ड डालना है एंड पे फॉर अमाउंट के ऑप्शन पे जाना है। तो अब यहाँ हमारे पास आधार ऑथेंटिकेशन का पॉपअप ओपन हो गया है, जहाँ आपके पास लिखा हुआ आएगा योर आधार ऑथेंटिकेशन डन सक्सेसफुली, मतलब कि आपका आधार कार्ड इस फॉर्म से मैच हो गया है। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारे पास ऑप्शन है टेलीफोन ISD कोड, तो अभी हम यहाँ इंडिया चूज कर लेंगे। अगर आप यहाँ अपना लैंडलाइन नंबर डाल रहे हैं तो आपको एरिया STD कोड डालना होगा, और अगर आप अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो STD कोड डालना मैंडेटरी नहीं है। तो हम इस ऑप्शन को एम्प्टी छोड़ देंगे और अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल एड्रेस डालना है।
तो हमारे पास ऑप्शन है पेरेंट डिटेल्स। तो यहाँ हम आधार कार्ड पे जितने भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो फादर के नेम से डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है लास्ट नेम सरनेम, तो यहाँ पेरेंट्स का सरनेम आएगा और फिर फर्स्ट नेम, फिर आता है मिडिल नेम। अगर आपको मिडिल नेम डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने फादर नेम ऑप्शन में लिया हुआ था, तो हम मदर नेम ये ऑप्शनल है, ये नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ नीचे ऑप्शन में फादर नेम चूज कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पेज ओपन हो गया, जहाँ की आपको एड्रेस डिटेल्स डालना है। आपको ध्यान रखना है कि एड्रेस डिटेल में कोई भी कॉलम आपका खाली ना रहे। अगर कोई भी कॉलम खाली रहता है तो यहाँ से प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ अब हम एड्रेस डिटेल फिल करेंगे। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट ऑफिस एड्रेस मेंशन करेंगे वन बाय वन। तो अभी हम सोर्स ऑफ इनकम में जाके सैलरी पे क्लिक करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अदर डिटेल्स में जो ये एओ डिटेल्स दी गई है, अगर वो ठीक है तो आप इसे एज इट इज ऐसे रहने दें और आगे बढ़े। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्रेजेंटेटिव का। अगर माइनर की एज 18 से कम की है तो ये कॉल्यूम उनके लिए है, अगर वो 18 से ज़्यादा की एज वाले हैं तो ये कॉल्यूम फिल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है वेरीफायर का नेम एंड वेरीफिकेशन प्लेस, जो कि डालना मैंडेटरी है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स डाल देते हैं वन बाय वन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हुआ है वो डॉक्यूमेंट अपलोड का है। यहाँ हम अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने डॉक्यूमेंट्स के लिए सारे आधार कार्ड के ऑप्शन को चूज़ किया था, तो इसलिए यहाँ एज इट इज़ सारे ऑप्शन पे आधार कार्ड सेलेक्टेड है। और यहाँ आपको सारे आईडी मैन्युअली अपलोड करने होंगे, यहाँ तक कि फोटोज़ एंड सिग्नेचर भी। तो यहाँ आपको इस ऑप्शन में कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए हम इसे अब सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही आपके सामने ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, जिसका कि आप प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो आगे का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, हमें फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो चलिए प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, या हम इसे क्लोज करते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप अप्लाई न्यू पैन पर जाएं और क्लिक करें अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। स्कैनिंग स्पेसिफिकेशन पेज पे आने के बाद आप स्टेटस में अपलोड पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आप ये सारे टर्म्स एक बारी अच्छे से रीड कर लें। तो चलिए अपलोड पे चलते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में चलकर हम वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो अब यहाँ मैंने सारे फाइल चूज कर लिए हैं, अब हम चलेंगे अपलोड पे। तो चलिए क्लिक कर देते हैं अपलोड बटन पे। तो अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन पॉपअप ओपन होगा, जो कि आपको ये बताएगा कि डॉक्यूमेंट्स सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं, और साथ ही आपका एप्लीकेशन नंबर, जो कि आप कहीं नोट कर लें और अपना एप्लीकेशन नंबर मैच ज़रूर कर लें। तो अब मैं इसे ओके कर देती हूँ। तो अब आपका पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है और डॉक्यूमेंट्स भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कुछ इशू आता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं help@instantpay.in पर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और इंस्टेंट पे को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।